3500 इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं और लगभग दोस्तों ये 100 फुट गहरी है। और इतनी गहराई होने के बावजूद जो इसका की सीढ़ियों का जो क्रम है वो इस तरह बनाया गया है कि इसमें एक साथ हजारों स्त्रियाँ या मनुष्य इससे पानी ले सकते हैं। और बावड़ियों का निर्माण ही पानी संग्रह के लिए किया जाता रहा। लगभग 1200 साल के आसपास इसको बने हुए इसका निर्माण हो चुका है और उसके बावजूद ये अच्छी स्थिति में अभी भी है। ये 8वीं शताब्दी की आज से 1200 साल पहले की है, तो ये बहुत पुरानी बावड़ी हो गई आज से 1200 साल पहले की। गहराई कितनी है जी? इसकी गहराई है 19.5 मीटर, लगभग 65 फीट। अच्छा। और गड्ढे को आप जोड़ेंगे तो 75 फीट हो जाती है। और ये पत्थर कैसे चूने में जोड़े गए हैं या नहीं? ये बिगर मसाले के हैं, इसमें कोई सीमेंट चूना इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, फिर ये रुके हुए कैसे हैं? ये आयरन के लॉक लग रहे हैं और स्टोन टू स्टोन जॉइंट है इसमें, पत्थर को पत्थर के काट कर। और वो सामने वो पत्थर निकले हुए हैं, वो क्या है वहाँ? इसमें पहले राइट सिस्टम चलता था। अच्छा, वो पानी पानी निकालने के लिए। और दो पिल्लरे दिख रहे हैं नीचे, एक पर गणेश जी की मूर्ति है, एक पर भैंसासुर मर्दानी की। ये रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश आरंभ होता है। ये यहाँ पर बाएं हाथ पर ये इसका स्मारक का पत्थर लगा है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा खंडित सा है, इनकी छत खंडित हो चुकी है। ऊपर भी एक तल है इसका। खंडित है ये पूर्ण रूप से। इधर कक्ष है। याद ना करो, नाम बता दो ना।